ये लो ये लो ये लो, चलो ये ले लेता हूँ, फाइनल कर देते, ये ले लेता हूँ। हेलो वेलकम वंस अगेन गाइस। तो हम जा रहे हैं अभी कोलाड, कोलर का ट्रिप है। और ये मेरे शूज अभी पहन लेता हूँ। तो गाइस हम निकल चुके हैं, अब लगभग कितने बजे, 1:34, और कोलाड जाना है। और ये मेरा दोस्त अक्षय है इसका भी चैनल है, तो इसको भी सपोर्ट करो और लाइक करो। ये भी वीडियो डालने वाला है कोलाड की। तो ये हमारी बाइक है, कुछ लोग फ्रेंड मेरे कार से निकल चुके हैं, लेकिन हमारे अंदर कीड़ा ज़्यादा है इसलिए हमने बाइक प्रीफर किया है। तो वीडियो को देखते रहो और भी मज़ा दिखाएंगे, सब दिखाएंगे, चलो। तो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं। तो अगर आप बॉम्बे से आ रहे हैं तो आपको बॉम्बे टू पनवेल पहले आना पड़ेगा, और पनवेल से फिर कोलाड जाता है, ठीक है। तो हाईवे नंबर 17, नेशनल हाईवे 17 से आप जाना पड़ेगा। तो आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, कार से भी जा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अभी क्या होता है। तो चलो गाइस एंजॉय। गाइस बेलापुर फाइनली पहुंच गए, अभी जाते हैं टूवर्ड्स पनवेल। यहाँ से आपको सीधा आगे ऊपर से फ्लाईओवर से जाना पड़ेगा। तो ये सिर्फ कौन के साथ देख रहे हैं, और ये भारतीय रिजर्व बैंक। तो यहाँ से आपको सीधा जाना है, चलो चलते हैं। हमारा स्पीड लगभग 49 किलोमीटर पर आवर, अभी 50 का हो गया, 52। तो आगे आगे बहुत एंजॉयमेंट होने वाला है, तो चलो बढ़ते आगे अभी। तो गाइस हम आ चुके हैं अभी पनवेल में। तो यहाँ से आपको पेन के तरफ जाना है, यहाँ से लगभग 99 किलोमीटर है पनवेल से। हम लोग वर्ली से निकले हैं, अभी वर्ली से जूईनगर से अभी पनवेल, और पनवेल से आगे जाएंगे। कुछ लोग हमारे दोस्त लोग, तीन कार्स ऑलरेडी आगे हैं और बाइक्स भी है दो। परस्पा फाटा ठीक आहे, चालेल। थँक यू सर, थँक्यू। ऑल राईट गाइस, हम लोग आ चुके अभी खंडा कॉलनी स्क्वेअर। तो यहाँ से आपको सीधा परस्पा फाटा जाना है, वहाँ से राइट लेके पेन के तरफ बढ़ना है। तो चलो शुरू करते हैं आगे जाना, ठीक है। यहाँ से आपको अभी गोवा हाईवे पकड़ना है, राइट लेना है यहाँ से अभी टूवर्ड्स गोवा हाईवे। यहाँ से आपको राइट लेना है और ये मैराथन नेक्स्ट जोन के उधर से स्ट्रेट अभी जाके लेफ्ट मारना है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैराथन बिल्डिंग के बाजू में ही ये बोर्ड लगा है, यहाँ पे लिखा है एक मिनट, गाड़ी रोको। हाँ, तो यहाँ पे अलीबाग का बोर्ड लगा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आगे ये मल्हार रेसिडेंसी करके होटल है। यहाँ से आपको सीधा जाके लेफ्ट लेना है, तो मैं आपको बता दे दूंगा आगे। और ये मैराथन का नया बिल्डिंग, मैराथन नेक्स्ट जोन। तो गाइज हम लोग थोड़ा रुक गए हैं, थोड़ा चल के थक थक के, हालांकि बाइक पे चल रहे हैं, थोड़ा सा बहुत धूप भी लग रहा है, तो थोड़ा सा रुके। तो यहाँ पे हम लोग को ये अंकल मिले हैं जो हमारे लिए मस्त जूस फ्रेश वाला बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे पाइन एप्पल जूस और बढ़ते हैं फिर आगे। मौसमी जूस भी है, पाइन एप्पल भी है, कौन सा लेगे आप? चलो हम लोग पाइन एप्पल ले रहे, कौन सा लेगा तू? चलो पाइन एप्पल बनाओ अंकल जी, बनाओगे ना? अच्छा बनाओगे, प्रॉमिस, ठीक है चलो। बस लगभग देखो कितना टाइम बचा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं, लेकिन अभी भी कोलाड पहुंचने में हम लोग को 2 आवर्स 45 मिनट्स लगने वाले हैं। तो ये देखिए सुंदर सा नज़ारा, थोड़ा सा ये हाईवे से आपको जाना है,
और आगे आगे तो बहुत सारे अच्छे नज़ारे हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और यार कर क्या रहे हो यार, सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइबर्स बहुत कम है इसलिए सब्सक्राइब करो यार, आपको ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। और वीडियो अंत तक देखिए प्लीज़। तो गाइस थोड़ा ट्रैफिक, हेवी ट्रैफिक मिल रहा है हम लोग को, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा। 4 कोलाड में चेक इन है लेकिन पहुँचने में 5 बजने वाले हैं, इतना ट्रैफिक लग के। सो गाइस तो बढ़ते आगे। बहुत ट्रैफिक है और गाड़ी भी हमारा भाई अच्छा चला रहा है। हेलो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए हैं कोलाड। और जैसे कि आप देख चुके हैं, मेरा दोस्त गाड़ी चला रहा था, मैं पीछे बैठा था, और कार के साथ भी हम लोगों ने, हमारा दूसरा टीम कार के साथ भी आ रहा था, तो हमने बहुत सारा एंजॉय किया। रोड ड्राइविंग के लिए हम बाइक प्रीफर किए। तो यह है देव्य रिवर राफ्टिंग रिसोर्ट। एक्चुअली रिवर राफ्टिंग के लिए रिसोर्ट है, यहाँ पर आपको रूम बुक कर सकते हैं, यहाँ से आपको आना पड़ेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या क्या आपको सब व्यूज मिलेगा। यहाँ पे एक बात बता दूँ मैं, आपको आना है तो पहले एक कॉल करके पूछ लीजिए कि रूम अलोकेट है, वैकेंट है कि बुक है, क्योंकि हम लोगों को रूम नहीं मिला तो हम टेंट में सोए। तो टेंट का मज़ा तो और ही है, आप टेंट में भी सो सकते हैं, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ऑल डिटेल्स जो है, हम 2 के लिए आए हैं, सैटरडे संडे, तो इसका कुछ कॉस्ट लगभग जाता है 2500। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आगे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पार्किंग जोन है, यहाँ पे भी थोड़े बहुत गेम्स है, यहाँ पे आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, यहाँ पे थोड़े झूले वगैरह है, और जो भी कुछ इसका ये होगा ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, कैसा है कैसा नहीं है, क्या क्या चार्जेस है, क्या क्या नहीं है। ये झूला है और यहाँ पे भी बैठ सकते हैं आप, यू कैन जस्ट एंजॉय। यहाँ पे बैडमिंटन है, यहाँ पे शूटिंग है, यहाँ पे बाण से भी आप शूटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे झूला है। ओके, तो यहाँ पे खेलने के लिए है थोड़ा बहुत। और पहले हम इधर का व्यू थोड़ा कवर करते हैं 2 के लिए। और यहाँ पे कुछ ये दिव्य का आपको थोड़ा बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, क्या क्या है रिसोर्ट, क्या क्या नहीं, क्या क्या नहीं। ठीक है, तो ये है, और यहाँ से हम लोग अभी आए हैं, थोड़ा बहुत थक गया हूँ, तो चलो देखते। और यहाँ पे बोट से जो हम कल, ये वाले बोट से जो कल हम जाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा थोड़ा बहुत टीम है जो एंजॉय कर रहा है अभी। और ये है दिव्य एडवेंचर्स का ब्लॉक्स। ठीक है, तो गाइस कुल मिला के बहुत अच्छा है। और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे और दिख रहा है कुछ मुझे, तो चलता हूँ। फाइन, ओके, यहाँ पे आपको ये गेम प्लस कैरम, तीनों गेम खेलने को मिलेंगे। और ये एक्चुअल बोट से, यहाँ से आप बोट, ये बोट्स एक्चुअली रिवर के उधर जाता है, ट्रक से वगैरह जाते हैं, आई डोंट नो कहाँ से जाते होंगे, पता नहीं, तो जाते हैं। और यहाँ पे देवे एडवेंचर्स, यहाँ पे बुकिंग हो सकता है, बुकिंग यहाँ से ही होता है, तो आप पहले पूछ लीजिए क्या बुकिंग है, क्या नहीं, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे सब खेलने के लिए है। ठीक है, फाइन, तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो गाइस यहाँ पे जो टेंट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे रूम्स भी है, टेंट्स भी है, लेकिन हम लोगों ने टेंट्स प्रिफर किया है क्योंकि रूम्स अवेलेबल नहीं थे, पूरा पैक था, और वीकेंड में तो वैसे ही बहुत ही पैक रहता है। तो यहाँ से इनका ऑफिस का कुछ जाने के लिए है, तो ठीक है, मैं आपको टेंट के उधर का अभी दिखाता हूँ। ये रोड पे कुछ है, आई डोंट नो क्या, कुछ गेम्स है।
यहाँ पे बोट्स मैंने दिखाया। तो आगे बढ़ते हैं, होता है देखते हैं। अभी अभी यहाँ पे आपको देखने के मिलेगा ये पुल, यहाँ पे बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स निकलते हैं। मतलब मैं आया था, बैग रख के गया तो टेंट में, तो यहाँ पे मैंने फ़ोटोग्राफ्स लिए, तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास DSLR हो तो ज़रूर लाए जाए, ठीक है। और ये साइड में वॉशरूम है, और ये हमारे कार्स एंड बाइक्स। यहाँ पे पार्किंग जोन है तो नो इशू ऑफ पार्किंग, लेकिन एक ही इशू है, आपको पूछ के आना पड़ेगा और बुकिंग अच्छे से अच्छा करना पड़ेगा। टेंट्स, ठीक है, टेंट्स का मैं दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत ही अच्छा है। इसको आपको ऐसे निकलना है। एक्चुअली हमारे कलीग्स ने और सब ने रूम्स भी लिया है, लेकिन हम लोग सब लड़के लोग और कुछ कुछ लेडीज़ भी यहाँ पे सो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसका खासियत बोल रहे कि यहाँ पे ठंड नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टेंट के अंदर आपको ऐसा देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा है, ऊपर से कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, और दो जन आराम से सो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ छोटा सा पानी जाने के लिए है, उससे आपको अंदर जाने का रास्ता मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ कॉटेज रूल्स है जो पढ़ लीजिए आप पॉज करके, ठीक है। और रूम्स को डिफरेंट डिफरेंट नेम है, बुद्धा रूम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बुद्धा रूम, शिव शंकर रूम, और ये है एक्चुअल कुंडलिका रिवर। यहाँ से नदी है जो कंट्रोल होता है, नदी का फ्लो यहाँ से आपका पानी स्टार्ट होता है, वहाँ से छोड़ा जाता है शायद आगे से, और यहाँ से पानी जाता है। और ये है कुछ खाने का, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका कैफेटेरिया जैसा कैंटीन है, तो ये हमारे कैंटीन के अंकल है। आपको प्योर वेज भी मिल जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे भी थोड़ा लंच एंजॉयमेंट के लिए जगह है। और आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलेगा, इधर से आप ऑफिस की तरफ जा सकते हैं, और इधर से आपको रिवर का नज़ारा मिल जाएगा। तो ये है कुछ रिवर का नज़ारा। तो यही है दोस्तों, ये नदी, ये रिवर जिसको कहा जाता है कुंडलिका रिवर, ठीक है, यही है कुंडलिका रिवर। यही पानी, अभी इसमें कुछ पानी नहीं है, जैसे ही ये पानी छोड़ा जाता है तो इसका मतलब लेवल बहुत ही बढ़ जाता है। ये लेवल तक, ये देख रहे हैं आप, लेवल तक यहाँ तक पानी रहता है, ठीक है। तो बस यही है, और इसका फ्लो भी कंट्रोल होता है, वैसे आप मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पे है, अभी थोड़ा गेम्स को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, क्या गेम्स है क्या नहीं। आपको रिवर ड्राफ्टिंग के 100 rupees चार्ज है, और रूम्स का है 2500। अगर आप 2 days के लिए स्टे करते हो, 1 day के लिए इट्स कॉस्ट अराउंड 100,000 to 1200 तक जाता है 2 days के लिए। उसका सब डिटेल्स आपको ऑनलाइन बुकिंग वगैरह सब मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो चेक इट आउट नीचे वाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। तो व्यू देखिए आप, बहुत ही अच्छा है, आपका पैसा तो पूरा वसूल होगा ही होगा, नो वे। 2500 इन्वेस्ट करो, 3000 इन्वेस्ट करो, और जैसे जैसे आप आपका बजट हाई करोगे आपको रूम्स भी वैसे ही मिलेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, और ये है एक्चुअल अंदर का पोर्शन, ठीक है। और आप अभी एक छोटा सा टाइम लैप्स एंजॉय करिए, तब तक मैं थोड़ा सा तो, और एंजॉय करिए आप छोटा सा टाइम लैप्स। तो गाइस अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से आपको ऐसा व्यू आएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अभी आगे ऑफिस की तरफ, सो दैट को पूरा व्यूज मिले, ठीक है। यहाँ से आपको ऑफिस की तरफ जाना,
टीम है. दिस इज अक्षय. अक्षय, आर यू एंजॉयड? कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा. ठीक है, ये विवेक है. आपका क्या है? गुड, ऑसम. सागर, ये अक्षय, नीलम मैम और दिस इज अभिजीत. चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. आगे आगे और यहाँ पे आप गेम्स का थोड़ा एक्सप्लोर करते हो. ठीक है, यहाँ पे कुछ चढ़ने के लिए है. Like that, this is whole game. वहाँ पे फुटबॉल भी है, बैडमिंटन भी कर सकते हैं. यहाँ पे शूटिंग का गेम है. ठीक है, शूटिंग का भी मैं एक्सप्लोर करता हूँ. और यहाँ से आपको जाना पड़ेगा. ठीक है, चलो. तो गाइज, दिस इज ओवरऑल. वेलकम बैक गाइज. तो हो गया 7:33 और मुझे बहुत नींद आया. मैं अभी सो रहा हूँ. ये हमारा टेंट है, ये हमारा बैग्स और ये हमारा टेंट है. ठीक है, तो सब जन उठ गए क्या भाई लोग? देखो गाइस, सब जन उठ गए. ऑल राइट, शूज पहन लेता हूँ अभी. चलो तो आगे बढ़ते हैं. आज ड्राफ्टिंग करेंगे, खाना ब्रेकफास्ट करेंगे और सब दोस्त लोग उठ गए मेरे. ये हमारे टेंट है. तो गाइस ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं. आज ड्राफ्टिंग करेंगे, खाना पहले खाना खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, खाना खाएंगे, फिर ड्राफ्टिंग करने जाएंगे. चलो. तो गाइस, हमने ब्रेकफास्ट कर चुके हैं और अभी मिलते हैं रिवर ड्राफ्टिंग की ओर. चलो चलते हैं तब. तो गाइस, यहाँ से हम लोग एंट्री कर रहे हैं. तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग एंट्री कर रहे हैं. जैसे मैंने पिछले बार बताया था, पिछले टाइम वहाँ पे जब खाना खा रहे थे तब ये कुंडलिका रिवर है, इसका पानी कंट्रोल होता है. सो अभी पानी 10:30 के आसपास छूट गया है. तो देख लीजिए पूरा, यहाँ से आपको बोटिंग की तरफ देखने को मिलेगा. मोबाइल में 16% चार्जिंग है, तो जितना हो सके उतना पॉसिबल मैं आपको शूट अंडर वाटर तो रिस्क नहीं लूँगा, ऊपर से मैं दिखाता हूँ. तो ठीक है, यहाँ से हम लोग जाएंगे, अभी सेफ्टी जैकेट पहनेंगे और वहाँ से आगे जाएंगे. ठीक है. तो गाइस, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों को साइन करना पड़ रहा है और एक्टिविटी में कुछ हो गया तो हम लोग रिस्पॉन्सिबल है कि आप हैं. अच्छा ठीक है, तो आपको यहाँ पे साइन करना है. यहाँ पे सब लोग रेडी है, यार क्या मेंशन है, साइन कर दीजिए. और ये अभी ये साइन कर रही है और ये देख रहा है क्या है. डेट लिखा है क्या रे? डेट लिखा है, डेट लिखा है. आज की तारीख है, आज का तारीख का डेट भी लिख दिया अगर होगा तो. जिस तरह से आपको सेफ्टी जैकेट फर्स्ट ऑफ ऑल पहनना है और आप गिर गए तो भी इससे बच सकते हैं. सर जी, बच सकते हैं क्या इससे अगर गिर गए तो? बिल्कुल बच सकते हैं. तो पहन लीजिए, मैं भी पहनने वाला हूँ. ठीक है, और ये हमारा ये है ना बोट, हमारा ये बोट है. देख लीजिए सर, चलो तो आगे बढ़ते हैं. गुड मॉर्निंग सर. ओके, कुंडलिका ने इसको बोलते हैं राफ्ट. नाइन चैम्बर, नाइन पार्ट में डिवाइड है. फोर साइड चैम्बर, फोर क्रॉस ट्यूब एंड वन डाउन फ्लोर. थोड़ा आवाज में इसमें बैठना कैसे आपको? ये पूरा का फ्रंट साइड, इसमें एक्स्ट्रा रूम लगी है, पीछे नहीं करेगी, पीछे नहीं है. ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा रूम है वो है फ्रंट साइड.
अंकल थोड़ा सा डर रहे हैं, टेंशन मत लीजिए अंकल। सबसे बड़े रैफ्टर बहुत ही मजा आ रहा है गाइस, पूरे मोबाइल का बहुत ही अपने देखो पानी देखते हैं।
आप आने वाले YouTube पे अभी फाइनली गाइज हमारा टूर हो चुका है कंप्लीट. तो हैव यू एंजॉय? तो चल अरे कितने टाइम का हुआ नहीं था अभी हो गया लगभग 6:36 शाम के. तो वी आर मूविंग टूवर्ड्स होम. और आपको वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू वंस अगेन.